पुल ध्वस्त हो गया, ध्वस्त हो गया कैसे? देते तो जांच होनी चाहिए, नया नया पुल ही बन रहा था, उसकी कास्टिंग भी हुई थी। अब पता नहीं पुल को क्या हो गया, किसकी नजर लग गई है बिहार में। कभी चूहा खाट जाता है, कभी पुल पूरा चोरी ही कर लिया जाता है। जैसा आप लोग सब लोग अवगत हैं कि अगवानी घाट पे जो निर्माणाधीन जो पुल जो बन रहा था वो क्षतिग्रस्त हुई है, और ये पहली बार नहीं है। 30 अप्रैल 2022 को आंधी आने के कारण से जो सुपर स्ट्रक्चर का जो सेगमेंट था वो गिरा था, और आप सब लोगों को पता होगा उस समय हम विपक्ष के नेता रहे, ऑपोजिशन लीडर रहे, और हमने इस पे सवाल उठाए थे। और आप सब लोगों को अवगत कराना चाहेंगे कि इससे जुड़ा हुआ जो सवाल है ये विधानसभा में भी दो बार आया। पहला सवाल जो आया था वो अजीत शर्मा जी का था, वो दिनांक 1 मार्च 2023 को आया था। उस समय हमने अगवानी घाट पे जो पुल बन रहा था सुल्तानगंज से गंगा नदी के ऊपर, उसको लेकर के जवाब हमने दिया था, और वो जवाब आप लोगों के समक्ष है, यहाँ पर है। और दूसरा सवाल एक और आया था, वो तारीख है 13 मार्च 2023। ये डॉक्टर संजीव हैं, प्रवक्ता के विधायक हैं, उन्होंने पूछा, और दोनों बार हमने जवाब में ये बताया था कि दुर्घटना की जांच जो है प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे, IIT रुड़की एवं NIT पटना के विशेषज्ञ प्रोफेसर द्वारा कराया जा रहा है, ताकि जो कारणों का सही पता लग पाए। और आप सब लोग जानते हैं स्ट्रक्चरल में जो बेहतर संस्थान जिसको माना जाता है वो IIT रुड़की को माना जाता है। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारे सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाए। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पत्र निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया, और IIT रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। IIT रुड़की का ये रिपोर्ट है पियर नंबर 5 अगवानी घाट सुल्तानगंज ब्रिज को लेकर के। इसमें साफ साफ इस रिपोर्ट पे अगर हम पढ़ें तो हम आपको बता दें, ऑन द 30th of April 2022 ड्यूरिंग अ रिपोर्टेड थंडर स्टॉर्म एंड अंडर विंडी कंडीशन, यानी आंधी तूफान के कारण जो है वो गिरा है, और IIT रुड़की वॉज अप्रोच टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट टू ट्राई टू कम अप विद टेक्निकल रीजन फॉर दिस इंसिडेंट। और इसमें ये महत्वपूर्ण है कि टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन। आप समझ जाइए कि IIT रुड़की कह रहा है टू रिव्यू द एंटायर डिजाइन टू अंडरस्टैंड द फोर्सेज एंड स्ट्रेसेस ऑन ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फाइनल सिस्टम एंड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेजेस। दिस वुड बी अ थ्रू डिजाइन चेक ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योर ड्यू डिलीजेंस हैज बीन डन इन दिस एरिया। यानी इस रिपोर्ट के आधार पर बाकी का जो आपका स्ट्रक्चरल जो डिजाइन था, खासतौर पर जितने सेगमेंट थे सबको हमारे डिपार्टमेंट ने तोड़ा। और हमने यहाँ जवाब में भी दो बार, आप देखिएगा विधानसभा के जवाब में भी बोला कि
दुर्घटना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की द्वारा कराकर पुनः उक्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। यानी हम लोगों को शंका थी, उसलिए कई जो इसमें सेगमेंट्स थे हम लोगों ने ध्वस्त कर दिए, और पियर नंबर 5 का जो था उसको आईआईटी रुड़की का है, उसमें रिपोर्ट भी आना है। यानी पहले से ही हम लोगों को शंका थी इसमें डिज़ाइन में फॉल्ट है, उसलिए काफ़ी स्ट्रक्चरल चीज़ें जो है तोड़े गए, और हम लोगों का निर्णय था कि पूरी तरीके से तोड़ करके, क्योंकि बार बार कंप्लेन आ रहा था माननीय सदस्यों ने, दोनों बार जो है इस बात को दोनों सदस्यों ने विधानसभा में उठाया था, तो अब हम लोग निर्णय पे लें कि भाई नहीं, इसको पूरी तरीके से तोड़वा करके, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है, इसलिए पूरी तरीके से तोड़वा करके पुनः सिरे से हम लोग जो है कार्य को प्रारंभ करेंगे। तो अभी आईआईटी रुड़की का भी जो रिपोर्ट आया था पीएन नंबर 5 को लेकर के, और हमारे साथ ACS पथ निर्माण विभाग है, जो बातें हैं टेक्निकली ये आप लोगों को अवगत है। अब आप सोचिए कि पुलवा बन जाता और ओकराबा ढह जाता, क्या होता तब? जान का कोई कीमत है? 1700 करोड़ का क्या है? फिर आएगा, कहीं से आ जाएगा, केंद्र सरकार दे देगा, बिहारी टैक्स दे देगा, आ जाएगा। लेकिन ये जान जो चला जाता, उसको हमने पहले ही बचा लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुल के मटेरियल से लोगों के घर बन गए, तो अच्छा बात है ना जी, है मुख्यमंत्री आवास योजना है कि कितना बढ़िया बात है कि कोई बजट का एलोकेशन अलग से नहीं करना पड़ा, पुल का ही मटेरियल है, और जो पुल डूब ही जाना है बाद में, तो उसमें से कुछ लोग जो है गिट्टी बालू सीमेंट निकाल घर बना लीजिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चारा और बालू का पिलर था इसलिए टूट गया। ये सब हमको लगता है कि ये लालू जी से हमारी जो नई मित्रता हुई हमारे पार्टी की, उसको तोड़ने का ये है। आप बताइए कि चारा और बालू मिला के आप पिलर बना पाएंगे? नहीं बनेगा जी, उसमें थोड़ा सीमेंट तो लगेगा ना। छिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 तत्व से बना है ना जी दुनिया, हमारा शरीर सब कुछ 5 तत्व से बना है। तो जब पुल बन रहा था तो आप प्रकृति के 5ों तत्वों को जब तक संतुष्ट नहीं करेंगे तब तक क्या वो पुल टिकेगा? नहीं टिकेगा ना जी। तो हम क्या किए, पहले आंधी आया, आकाश तत्व गगन और समीरा वायु तत्व, इन दोनों को सेटिस्फाई कर दिए कि आप बाबा ले लो, आहुति ले लो, बात ख़त्म करो। कल्हे जो गिरा है, कल्हे कहाँ गिरा है? पानी में गिरा है। और पानी किस चीज़ पे है? पानी तो पृथ्वी धारण किए हुए है, तो भूमि माने छिति और जल, ये दोनों को हम दे दिए कि आप भी ले लीजिए। अब बचा पावक, ठीक है आगे बन रहा है, कहीं हो सकता है एक आध दुर्घटना जो है आग वाला भी हो जाए, तो उसके लिए हम चेक करेंगे, पहले ही तैयार रहेंगे। वो होता है ना जी, उससे उजला रंग का जो धधराक निकलता है, इंचोत है, माफ कीजिए गाली निकल गया, लेकिन भावना समझिए। रेलवे त्रासदी के समय इसको तोड़ना एकदम हलाहल पीने जैसा है। इसको कहते हैं जिम्मेदार विपक्ष। दलित को हमने कह दिया नहीं, दलित नहीं, महादलित, उसमें OBC को MBC कर दो। इस टाइप से कुछ करते रहिए और उसे देखिए सत्ता में है ना जी 23 सालों से। इसलिए नीतीश बाबू ने ये जो अब डिसाइड किया है कि आगे से जो पुल बनेगा नदी पे, उसको हम लोग कहेंगे आइसक्रीम। गर्मी में पिघल गया आइसक्रीम, पानी में गिर गया, लोग कहेगा तो बातें खत्म हो गया एकदम से। जो है तो बता दिए सब पे जो है जो भी दोषियों की कार्रवाई हुई, और ये इशू तो सबसे पहले जब गिरा था पेयर नंबर 5, तब हम नेता विरोधी दल थे, इस इशू को हमने ही उठाया था। और जब नवंबर में हमने समीक्षा की थी, उसके बाद विभाग के ACS ने दिसंबर और जनवरी को समीक्षा की थी, तभी जो निर्णय हुआ था कि ये सारे जो सेगमेंट है पेयर नंबर 5 का जो रुड़की IT रिपोर्ट का, उस पर तोड़ा जाएगा, और हम लोगों को डाउट था, उसलिए बाकी का भी हम लोगों को शंका थी कि जब पियर नंबर 5 में जब प्रॉब्लम आ रहा है तो सभी में प्रॉब्लम आएगा, इसलिए उसी समय जो है IIT रुड़की को जो है दे दिया गया। तो बाकी का जो रिपोर्ट है आजकल में आना था,
तो जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पे हम लोग जो है कर रहे हैं, लेकिन निर्णय यही लिया गया कि बाकी जितने सारे जो है उसको तोड़ा जाएगा, ठीक है, संविदा पे भी जो है जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है, बाकी ACS जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं, और भी जो दोषी होगा इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये चीजें तो आप समझ लीजिए कि पहले से ही हम लोग इस चीज को जो है देखते रहे हैं और ये टूटा है, और क्योंकि शक था ही जब पेयर नंबर 5 में जब ये बात आई थी, मैं तो तत्कालीन जो मंत्री थे नितिन नवीन थे, तो उन लोगों ने भी जो है जांच जो है IIT रुड़की को दिया था, लेकिन रिपोर्ट जो हमने आपको दिखाया उस आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया, उसके जितने सेगमेंट थे 50 के लगभग सबको हम लोगों ने। लेकिन क्या लगता है कि एकदम हो रहा है विभाग, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया विभाग द्वारा बता दिया जाए, क्या नए सिरे से पुल का निर्माण कराया जाए? एकदम पुल का निर्माण कराना ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इनका जो है ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, और लगातार 12 से जो है उनकी सोच रही थी, 14 से ये काम जो है सिलसिला चला है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि टाइम बाउंडिंग के अंदर जो है इसको काम किया जाए। उठ रहा है राशि का कि राशि जो देखिए जो खर्च हुआ है उसको हम लोग रिटेन करेंगे। हमने पहले भी कहा जो पहला जो पियर नंबर 5 का जो जितने सेगमेंट हम लोगों ने तोड़े थे उसको हम लोगों ने सरकार पे आने नहीं दिया, संवेदक पे ही आने दिया है, तो ये चीजें होंगी। जो भी राशि जो भी पुल का जो है, क्योंकि अप्रोच रोड का तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पुल का जो होगा राशि जो हम लोगों के खर्चे पे आ रहा था वो कम से कम जो भी कॉन्ट्रैक्टर होंगे उन पे ही आएगा, वो सारी कार्रवाई की जा रही है, नोटिस जो है इश्यू किया जा रहा है कि कारण बताए, और जो जो एग्रीमेंट के तहत, क्योंकि एग्रीमेंट के तहत जो भी क्लॉजेज होती है उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। अब कौन क्या कहता है नहीं कहता है इस पे तो हमको कुछ कहना है नहीं, समझे, जांच जो है सब कुछ स्पष्ट है कि कौन लोग इसमें दोषी हैं नहीं है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, IIT रुड़की ऑलरेडी जांच कर रही है, और CBI वाले इंजीनियर तो है नहीं। खगड़िया में पुल गिरा है तो बीजेपी के तमाम उम्मीदवार लेकिन इस्तीफे की मांग कर रहे थे। खगड़िया में पुल बीजेपी के द्वारा गिराया गया है, खगड़िया में पुल गिरा है, तेजस्वी यादव से बीजेपी के लोग हैं वो इस्तीफा मांग रहे कर रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दे। ये बीजेपी के लोग किए हैं पुल तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं वो लोग गिरा रहे हैं। साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ जो योजना थी उसको बंद कर दिया गया सर, भाजपा ही पुल गिराता है, भाजपा ही वाला पुल गिरा।